जी, तो यहाँ पे इनहेरिटेंस थी क्लास सी की क्लास ए से, और इस इनहेरिटेंस में मैं आपको बता ही रहा था कि यहाँ पे हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर है सी क्लास के, सी क्लास के कंस्ट्रक्टर के आगे मैं मेंशन कर सकता हूँ कि मुझे कौन सा कंस्ट्रक्टर पेरेंट क्लास का कॉल करना है। कंस्ट्रक्टर पेरेंट क्लास का हमेशा कॉल होगा, ऐसा नहीं है कि कंस्ट्रक्टर ना कॉल हो। जैसे मैंने पिछली एग्जाम्पल में देखा था कि यहाँ पे मैंने इस एग्जाम्पल में कि ये जो बी क्लास है, बी क्लास के आगे कंस्ट्रक्टर के आगे मैंने कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ था। इस केस में भी हमेशा मेरे पास जो बी क्लास की पेरेंट क्लास है उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने जब इसको आपको दिखाया, यहाँ पे बी का ऑब्जेक्ट बनाया, राइट साइड पर अगर आप देखें तो ये ऑब्जेक्ट बनाया। इस ऑब्जेक्ट को जब बनाया तो जो आउटपुट आई उसमें बी के कंस्ट्रक्टर के कॉल होते हुए पहले ए का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये बी का जो कंस्ट्रक्टर है वो अपनी बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है जी, तो ये वाला केस पहला था। अब दूसरे केस पे चलते हैं कि इस केस में हमने ये कहा था कि अगर हमने इनहेरिट किया हुआ है और हमने अपनी क्लास में जो कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है वहां पे हम अपनी मर्जी का कंस्ट्रक्टर भी कॉल कर सकते हैं। देखिए, किसी एक डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करने के लिए तो हमारे पास एक ही कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ना। तो जब मैंने यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया तो वही कॉल होगा, फिर डिफॉल्ट तो कॉल नहीं होगा ना। जी शामिल, वेरी गुड क्वेश्चन। अभी मैं ये एग्जाम्पल समझाने के बाद आपको अपनी जो कोड है उसमें ले जाऊंगा, तो कोड के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली मल्टीपल इनहेरिटेड क्लासेस भी हो सकती है ना, तो उस केस में क्या हो रहा होगा। ठीक है, तो इसको इस स्लाइड को कंप्लीट करने उसके बाद हम स्लाइड अपने कोड पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ए का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया और उसके बाद सी की अपनी बॉडी एग्जीक्यूट हो। बच्चों ना इसके ऊपर राइट करें, मैं आपकी एनोटेशन को डिसेबल कर देता हूँ। ठीक है, या मैं ऐसा कर देता हूँ, शो नेम्स ऑफ एनोटेटर्स कर देता हूँ। ठीक है, जूम में सिवाय इस बात के कि कौन ऐड होगा या कौन नहीं ऐड होगा, बाकी सारी चीजों का कंट्रोल मेरे पास है। तो अगर आप कहते हैं तो मैं बहुत स्ट्रिक्टली बना देता हूँ, लेकिन इनफैक्ट मैं चाहता था कि आपको म्यूट भी ना करूँ ताकि डिस्कशन हो जिसमें ज्यादा मजा आता है पढ़ाने का। ठीक है, लेकिन कोई पता नहीं होता सुबह सुबह किस नीयत से जागी हूँ आप लोग हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे विच कंस्ट्रक्टर विल, अच्छा ये शमीर आपके क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर मैं स्लाइड की एक्सप्लेनेशन के बाद कंप्लीट करूंगा। किसी को कोई और कंफ्यूजन तो नहीं है अभी कि जब भी बेस क्लास डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा वो अपने कंस्ट्रक्टर की कॉल को जब करेगा तो कंस्ट्रक्टर की बॉडी में जाने से भी पहले एग्जैक्टली इनिशियलाइजर लिस्ट की तरह जो पेरेंट क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। अगर आपने नहीं कोई कॉल किया तो डिफॉल्ट कॉल हो जाएगा, अगर आपने कॉल कर दिया तो जो आपने कॉल किया वो वाला कॉल हो जाएगा। ठीक है, ऑफ कोर्स मैंने कोसाइन इस बात का आंसर दे दिया कि डिफॉल्ट को कॉल नहीं करेंगे तो पैरामीटराइज कॉल हो जाएगा। तो इनिशियलाइजेशन के लिए कंस्ट्रक्टर कोई एक ही कॉल होता है ना, तो पैरामीटराइज कॉल कर दिया तो डिफॉल्ट कॉल नहीं होगा। ठीक है, अच्छा चलिए, तो अब मैं यहाँ से आगे मूव करता हूँ। ये वाली एग्जाम्पल मैं सारी की सारी आपको अभी कोड अपना ओपन करके दिखा दूंगा। ठीक है, अच्छा, तो इसके बाद ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्टर क्या होगा। यहाँ पे एक एडिशनल चीज ये है कि अगर यहाँ पे अभी जो मल्टीपल पेरेंट क्लासेस वाली बात की थी, मैं इससे थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम्पल ये दे रहा हूँ पहले, कि ऐसा भी हो सकता है कि आप पूरी हायरार्की की बात करें टॉप से लेके बॉटम तक, ऐसा हो सकता है ना। तो वो जो टॉप से लेकर बॉटम तक की बात कर रहे थे, इसमें देखें ये जो हमारे पास हायरार्की बनी हुई है, ये हायरार्की हमारे पास है इसमें हमारे पास पॉइंट, सर्कल और सिलेंडर वाली हायरार्की है। तो सिलेंडर जो है, सिलेंडर इनहेरिट हुआ है सर्कल से, सर्कल इनहेरिट हुआ है पॉइंट क्लास से। ठीक हो गया, तो यहाँ पे अगर सिलेंडर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सिलेंडर की क्लास जो है वो अपने कंस्ट्रक्टर की बॉडी में जाने से पहले अपने पेरेंट सर्कल का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। जो सर्कल है, सर्कल भी अपनी बॉडी एग्जीक्यूट करने से पहले, सर्कल का कंस्ट्रक्टर भी अपनी बॉडी एग्जीक्यूट करने से पहले अपने पेरेंट की बॉडी कॉल कर लेगा। तो सबसे पहला कंस्ट्रक्टर जो एग्जीक्यूट होगा, जिसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी वो पॉइंट होगा, फिर सर्कल की बॉडी एग्जीक्यूट होगी और फिर सिलेंडर की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। तो बेसिकली आप इस तरह से कह सकते हैं कि ये
रिकर्सिवली पेरेंट से पेरेंट की तरफ चलता जाएगा और इवेंचुअली सबसे जो टॉप मोस्ट लेवल होगा उसका कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होगा और फिर सो ऑन ये नीचे आता जाएगा। अब आपने ये सारे कॉन्सेप्ट को एक जगह कंबाइन करना है। पहली चीज ये हो गई कि अगर तो आपके पास पेरेंट क्लासेस हैं तो पहले उनका कंस्ट्रक्टर कॉल होना है, तो ये चीज रिकर्सिवली ऊपर तक जाएगी यानी कि टॉप मोस्ट पेरेंट तक चली जाएगी, पहली बात ये हो गई। अच्छा, उसके बाद हर क्लास अपना पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करने के बाद अपना कंस्ट्रक्टर की बॉडी एग्जीक्यूट करती है। तो अगर फॉर एग्जांपल सर्कल के पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट कंपोज हुआ होता जो सर्कल की क्लास का के अंदर कोई और क्लास कंपोज हुई है, तो उस केस में उसकी कंपोज्ड ऑब्जेक्ट्स का कंस्ट्रक्टर बाद में कॉल हो रहा है, ठीक है जी। सिलेंडर में पहले सर्कल का कॉल हो जाएगा, ठीक है। सिलेंडर के कंस्ट्रक्टर की बॉडी में जाने से भी पहले सर्कल का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ठीक है, बॉडी में नहीं जाएंगे। और सर्कल का जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो वो फिर पॉइंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, ठीक है। तो सिलेंडर खुद दोनों को कॉल नहीं करेगा, सिलेंडर को सिर्फ सर्कल का पता है कि मेरा पेरेंट जो है वो सर्कल क्लास है, सर्कल को पता है कि उसका पेरेंट पॉइंट क्लास है, तो हर क्लास अपने पेरेंट को कॉल करेगी, बाकी को कॉल नहीं करेगी। ये लास्ट पॉइंट ही तो असल पॉइंट है जिसको रिपीट करने का आप कह रहे हैं, ठीक है। अब मैं एग्जांपल में जाता हूँ और यहाँ से मैं आपको ये वाला लास्ट पॉइंट है वो मैं वहां से समझाता हूँ कि अगर इनहेरिटेंस और कंपोजिशन इकट्ठी हो जाए फिर क्या होगा, ठीक है। वो मैं ये लास्ट लाइन डिस्कस करके वहां जाता हूँ। यहाँ पे मैं जो डिस्कशन है वो ये है कि अगर कंस्ट्रक्टर सीक्वेंस ए बी सी में कॉल हुए हैं तो ये आंसर हमेशा आप लोग ठीक देते हैं, इस बार भी आंसर दे देंगे फिर डिस्ट्रक्टर किस सीक्वेंस में कॉल होंगे। अगर कंस्ट्रक्टर ए बी सी सीक्वेंस में कॉल हुए हैं तो डिस्ट्रक्टर का सीक्वेंस क्या होगा, रिवर्स, ठीक है। तो अगर पेरेंट या टॉप मोस्ट पेरेंट का कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल हुआ था तो उसका डिस्ट्रक्टर सबसे आखिर में कॉल होगा, सही हो गए। तो पहले डिस्ट्रक्टर डिराइव क्लास का कॉल होगा और फिर डिस्ट्रक्टर उसकी पेरेंट, फिर उसकी पेरेंट एंड सो ऑन टॉप तक चले जाएंगे। तो यहां तक हम स्लाइड डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल्स मैंने सारी जो स्लाइड्स में थी वो स्किप की है, मैं कोर में लेके जाता हूँ आपको, वहां पे हम ये डिस्कशन करते हैं कि ये कैसे हो रहा है। अच्छा जी, अब हम कोर में आके यहाँ पे अपनी जो हमारी क्लास थी जो मैंने कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर के सीक्वेंस के लिए बनाई थी उसमें चले जाते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पे आपने देखनी है वो ये है, क्लास ए एक बनी हुई है, ठीक है जी। अच्छा, ये एक तरह आपका क्वेश्चन में आंसर कर देता हूँ कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पॉइंट क्लास का वो कॉल हो सकता है कि नहीं। देखिए, डेफिनेटली हो सकता है, आपने खुद मेंशन करना है कि अगर सिलेंडर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है तो आपने लिखी थी कॉल ना कि कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, तो सिलेंडर क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ने अगर तो अपने पेरेंट सर्कल क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया तो वही कॉल हो जाएगा, पैरामीटराइज को कॉल किया तो पैरामीटराइज कॉल हो जाएगा। इसी तरह सर्कल ने भी अगर जिस कंस्ट्रक्टर को आपने अपनी क्लास से कॉल किया था, सर्कल ने वहां पे उस कंस्ट्रक्टर में अगर अपने पेरेंट पॉइंट क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल किया तो वो कॉल हो जाएगा, अगर डिफॉल्ट कॉल किया तो डिफॉल्ट कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका मतलब क्लियर हो गया आंसर कि हमारे पास ये जो हमारे पास आएगा कंस्ट्रक्टर कॉल को हमारे अपने कंट्रोल में कि हमने किसको कॉल करना है। अच्छा जी, अभी एक नो मैन साहब ने क्लास में एंटर होने की कोशिश की थी, तो अगर आप कोई ऐसा नाम रखेंगे जो कि मैं नहीं जानता तो डेफिनेटली मैं आपको क्लास में ऐड नहीं करूंगा, आप अपना जो असल नाम है और साथ इनफैक्ट रोल नंबर भी ऐड कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, तब आप ऐड होंगे, वरना मैं क्लास में ऐड नहीं करूंगा। तो जो भी अगर आपको कोई दोस्त वगैरह था तो उनको बता दें कि वो ऐसे ऐड नहीं हो सकते। अच्छा, अब हम वापिस आते हैं जो स्क्रीन आपके साथ शेयर किए कोड की, इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्लास ए बनी हुई है, क्लास ए के अंदर दो कंस्ट्रक्टर्स हैं, एक पैरामीटराइज्ड, एक डिफॉल्ट है और एक डिस्ट्रक्टर है। तीनों के अंदर मैंने मैसेज भी डिस्प्ले किया और साथ मैंने उसके साथ दिस भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो दिस है ये ऑब्जेक्ट का एड्रेस बता देगा कौन से ऑब्जेक्ट को, कौन से ऑब्जेक्ट ने इसको कॉल किया। इसके बाद एक क्लास सी बनाइए, सेम बिल्कुल इसमें कोई नई चीज़ नहीं, वही डेफिनेशन है जो ए की थी, दो कंस्ट्रक्टर एक डिस्ट्रक्टर और मैसेजेस। क्लास डी की भी एग्जैक्टली सेम इसमें डेफिनेशन है, दो कंस्ट्रक्टर्स और एक डिस्ट्रक्टर।
अच्छा, इसके बाद अब हम आते हैं क्लास बी के ऊपर। इसके अंदर सारा काम मैंने मिक्सअप किया है बहुत सारी चीज़ों को। तो सबसे पहली बात ये होगी कि क्लास बी ने ए और क्लास डी से इनहेरिट किया, ठीक हो गया। इट मीन्स कि दो कंस्ट्रक्टर्स तो ये वाले कॉल होंगे ही होंगे। उसके बाद मैंने क्लास सी का ऑब्जेक्ट क्लास बी के अंदर ऐड कर दिया, तो इस सी का भी तो कंस्ट्रक्टर कॉल होना ही होना है ना, ठीक है। तो अब ये बी का जब हम कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, अगर हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, यानी कि हमने इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है मेन में 69 लाइन के ऊपर, तो यहाँ पे हमने किसी कंस्ट्रक्टर को मेंशन नहीं किया तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ने किसी कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं किया तो सारा डिफॉल्ट बिहेवियर में नजर आ जाएगा कि कौन कौन से कंस्ट्रक्टर को कॉल हो रहा है हम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे हमने बी क्लास के अंदर जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, इसकी इनिशियलाइजर इसमें हमने तीनों जो कंस्ट्रक्टर्स कॉल हो सकते थे उनको अपनी मर्जी से इनिशियलाइजर लिस्ट में, एक हमने सी का सी, अभी अब देखने में इसके डाटा मेंबर का नाम है, इनिशियलाइजर लिस्ट के सिंटेक्स में उसको इनिशियलाइज किया, फिर हमने डी को इनिशियलाइज किया, फिर हमने ए को, ए का कंस्ट्रक्टर लिखा। अब दिखाना यह था कि इसका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा इस केस में, ठीक है। ये जहन में रखें कि पेपर में यूजुअली इसी तरह के क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं कि आपको एग्जैक्टली ये कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं, तो फिर इतना मिक्सअप करना कि ताकि आप एग्जैक्टली अगर क्लियर नहीं है तो आप गलत आंसर कर देंगे। यहाँ पे आपका क्या गैस बनता है, जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा हुआ पहले, कि क्या सीक्वेंस होगा कंस्ट्रक्टर कॉलिंग का, सिर्फ मैसेज में लिख दें ए बी सी डी, ये चार डिफरेंट क्लासेज हैं, तो कंस्ट्रक्टर्स का सीक्वेंस बता दें क्या होगा। ए बी सी डी टर्म में लिख दें, एक स्ट्रिंग लिख दें ए बी सी डी में से, पहले ए कॉल होगा, फिर क्या कॉल होगा, फिर डी कॉल होगा, फिर क्या कॉल होगा, इस तरह करके। अच्छा जी, शामिर आपने बोला है ए डी बी एंड सी। अच्छा जी, अच्छा जी, कोसैन ने बोला ए डी सी, तो बी कहाँ पे इनिशियलाइज होगा। अच्छा जी, ए डी सी बी, अहमद अली। अच्छा जी अहमद, आपने सबसे पहले आंसर दिया, अब जरा एक्सप्लेन करें कि आपने, और दूसरे हमजा आपने भी, पहले अहमद आप एक्सप्लेन करें, फिर अगर आपने कुछ डिफरेंट एक्सप्लेन किया तो हमजा आप एक्सप्लेन कीजिएगा। अहमद आप बोले, पहले लिखिए जरा, इनफैक्ट आप को मैं अनम्यूट करता हूँ, आप हमजा को। अच्छा जी, हमजा कहाँ पे हैं जी, हमजा को नाम ही नहीं मिल रहा मुझे। हाँ जी, ये हमजा आपको अनम्यूट किए जी, आप बोलेंगे जरा। हमजा आपको अनम्यूट किया, जो आप टाइप करें मुझे नजर आ रहा है, मुझे आवाज आ रही है। सर मेरा ये ख्याल है कि सबसे पहले ए इसलिए कॉल होगा कि सबसे पहले हमने क्लास बी से इनिशियलाइजर लिस्ट में से डाला कि पहले ए जो है उसका इनहेरिट करे प्रॉपर्टीज में डी की करे, इसीलिए ए का पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर डी का होगा, इसके बाद सी का होगा क्योंकि सी का फिर उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट बनाया, तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो डिफॉल्ट उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और आखिर में फिर बी का जो हमारा डिफाइन है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो कॉल होगा। बिल्कुल ठीक है जी, एग्जैक्टली ठीक बताया अहमद, आप ये कहना चाह रहे थे, आपसे यस नो लिखने, ठीक है जी। अच्छा थैंक यू, तो एग्जैक्टली क्या चीज हो रही है कि हमने जिस सीक्वेंस में इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप डिफाइन किया हुआ है उसी सीक्वेंस में आपके कंस्ट्रक्टर्स कॉल होंगे हमेशा, और इसी तरह जैसे हमने कंपोजिशन में देखा था कि जिस सीक्वेंस में ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर हुए होते हैं, अगर यहाँ पे सी का एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है तो इसका पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, अगर नीचे कोई ई एफ क्लास के ऑब्जेक्ट्स में बन रहे होते तो जिस क्लास जिस सीक्वेंस में बी क्लास ने ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर किया एग्जैक्टली उसी सीक्वेंस में उन्होंने क्रिएट होना है। इस इनिशियलाइजर लिस्ट में मैं जो मर्जी सीक्वेंस उल्टा सीधा लिख दूं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, कंपाइलर खुद देखेगा कि सबसे पहले किसको इनिशियलाइज करना है। इनहेरिटेंस सबसे पहले होती है, उसके बाद कंपोजिशन, तो इनहेरिटेंस में सबसे पहले क्या इनहेरिट हुआ, ए, ए को इनिशियलाइज करेगा तो ए का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, फिर डी को इनिशियलाइज करेगा क्योंकि सेकंड इनहेरिटेंस उसकी हो रही है, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, फिर डी के बाद वो आएगा कि अच्छा अब बी क्लास खुद क्या कर रही थी, तो बी क्लास सबसे पहले कंपोज कर रही थी तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, कंपोजिशन सी की वो कॉल हो गया, सी के बाद फिर बी का अपना कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे अब एक बड़ा ट्रिकी पार्ट ये हो सकता है कि ए क्लास कोई ऐसी क्लास होती जिसने खुद आगे इनहेरिटेंस की होती,
ठीक है, तो आपने एक एक कंस्ट्रक्टर की जितनी भी एग्जीक्यूशन है सारी कंप्लीट करनी है। यानी एक क्लास ने अगर ऊपर कोई एक्स वाई जी क्लास इनहेरिट किया है तो एक क्लास से पहले एक्स वाई जी के कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएंगे, फिर ए का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर बी के पास आएंगे तो डी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, तो ये सारा सीक्वेंस अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स बना लें हम, एक बिल्कुल नेट सही बना दें बेशक, आप तब भी रिजॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखें इनहेरिटेंस क्या होगी, जो इनहेरिटेंस हुई है उसमें सबसे पहली क्लास जो इनहेरिट है उसके कंस्ट्रक्टर पर चले जाइए, वहां देखें कोई और कंस्ट्रक्टर्स तो कॉल नहीं होते। अगर वहां पे भी बहुत सारे कंस्ट्रक्टर्स कॉल होते हैं, कोई इनहेरिटेंस है कोई कंपोजिशन है, तो उनका सीक्वेंस वहां पे आइडेंटिफाई करें पूरा इंडिपेंडेंटली। फिर वो कंस्ट्रक्टर जब सारा कंप्लीट हो जाएगा फिर वापस आ जाए इसके पास और इससे देखें कि नेक्स्ट क्या कॉल है। ठीक है, तो ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे, कंपोजिशन और इनहेरिटेंस को मिक्स किया जाए और इनहेरिटेंस की हायरार्की बना दी जाए, और अगर गलती से हायरार्की में टॉप लेवल पे जाके एक आध कंपोजिशन भी डाल दी जाए बस फिर तबाही हो जाती है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व होना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसका आपने ख्याल रखना। सही है, तो ये ओवरऑल था, अब इसको मैं रन कर देता हूँ, अब इसमें मजीद तो कोई डिस्कशन रह नहीं गई, टाइम भी ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गया, क्योंकि क्वेश्चन है तो वो टाइप करने शुरू कर दे, वरना मैं इसको रन करता हूँ फिर हमारा जो डिस्कशन वाली बात है वो सारी कम्प्लीट हो जाएगी। यही एग्जाम्पल मैंने आज आपको दिखानी भी थी। चलिए, ठीक है, तो ये जो जितने वार्निंग मैसेजेस आए थे वो सारे यही मैसेजेस आए थे कि आपने इनिशियलाइजर लिस्ट में जो सीक्वेंस लिखे है उस सीक्वेंस में ऑब्जेक्ट्स इनिशियलाइज नहीं होंगे, तो वार्निंग आ रही थी कि देयर यू माइट गेट एन एरर इन योर एग्जीक्यूशन, कि आपको अगर तो डिपेंडेंट है ऑब्जेक्ट्स तो फिर मसला आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो सबसे पहले ए का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर डी का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर सी का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर बी का। ठीक है, तो ये सीक्वेंस कंस्ट्रक्टर्स का था, ये डिफॉल्ट वाले का था, ये वो हमें बिहेवियर नजर आ गया जिसमें हमने खुद कोई मैस नहीं किया था, मैसअप नहीं किया था। उसके बाद आगे मैसेज है जो लंबा सा, ये जो है ना ये एड्रेस है ऑब्जेक्ट का, तो देखें सारी कॉल्स के लिए एक ही ऑब्जेक्ट का एड्रेस आ रहा है। ठीक है, ये जहन में रखिए, ये इनहेरिटेंस का स्पेशल यहाँ पे चीज है। ठीक है, अच्छा कि नया ऑब्जेक्ट नहीं, एक ही ऑब्जेक्ट है, इनहेरिटेंस में चीजें उसमें इंक्लूड हो चुकी हैं बी के ऑब्जेक्ट में, तो ये वही ऑब्जेक्ट है जिसके कंस्ट्रक्टर कॉल हो रही है। अच्छा अच्छा, बेस क्लास में कंपोज्ड ऑब्जेक्ट बाद में कॉल होगा जी, बेस क्लास के अंदर, बेस क्लास का अगर बेस क्लास में भी इनहेरिटेंस हुई हुई है तो बेस क्लास भी अपनी इनहेरिटेंस पे पहले चली जाएगी, अगर इनहेरिटेंस नहीं हुई हुई तो वो अपने कंस्ट्रक्टर पे आएगी, तो कंस्ट्रक्टर कॉल होने से पहले फिर कंपोज का कॉल होगा। तो सीक्वेंस क्या है, इनहेरिटेंस, कंपोजिशन और फिर अपना कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो अगर बेस क्लास में कुछ कंपोज हुआ है तो उसका कंस्ट्रक्टर बेस क्लास से पहले कॉल होगा। अच्छा, व्हाट इफ ए एंड डी आर इनहेरिटेड बाय द सेम चाइल्ड क्लास, होगा ना, पेरेंट क्लास तो नहीं हो सकता ना, ए एंड डी आर इनहेरिटेड बाय द सेम पेरेंट क्लास, ए एंड डी आर इन, ए क्लास और डी क्लास का कॉमन पेरेंट होता है। ठीक है, अब ये पूछना चाह रहे हैं ना, तो फिर वो प्रॉब्लम आ जाता है, डायमंड प्रॉब्लम है, वो जो डायमंड प्रॉब्लम आता है उसका सोल्यूशन ये नहीं है जो आप देखना चाह रहे हैं। ठीक है, उसका सोल्यूशन डिफरेंट है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, उसके लिए इनहेरिटेंस की एक नई टाइप है, एक तो पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड हमने पढ़ा है ना, इसके अलावा एक वर्चुअल इनहेरिटेंस भी होती है, तो ये चार टाइप्स है इनहेरिटेंस की जो कि नेक्स्ट लेक्चर में होंगी इंशाल्लाह, उसमें आप इस तरह के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर लेंगे अगर पेरेंट कॉमन और नीचे मल्टीपल क्लासेस इनहेरिट हो रही हो और वहां से आगे फिर एक क्लास उन सबसे इनहेरिट कर रही हो, तो ये डायमंड प्रॉब्लम बन जाता है जिसको सॉल्व करने के लिए वर्चुअल इनहेरिटेंस होती है। अच्छा, कंस्ट्रक्टर ऑफ कंपोज्ड ऑब्जेक्ट इन टॉप मोस्ट बेस क्लास, अच्छा ये क्वेश्चन का आंसर दिया था किसने, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दिस मीन बाय डिफॉल्ट एड्रेस स्टोर होगा, बाय डिफॉल्ट एड्रेस स्टोर होगा मतलब एक ऑब्जेक्ट बने उसका कोई एड्रेस तो होगा ना, तो जो हमने बी ऑब्जेक्ट बनाया है उसकी जब इनहेरिटेंस की है तो कोई नया ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा, उसके अंदर ए क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना हुआ, डी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना हुआ, तो जो बी क्लास है बी क्लास का ही ऑब्जेक्ट है जिसमें सारे डेटा मेंबर्स हैं, उनको इनिशियलाइज करने के लिए जो ए और डी क्लास के कंस्ट्रक्टर्स हैं वो भी बी के पास मौजूद हैं, आप उनको स्पेशली अलग से कहीं और कॉल नहीं कर सकते एक्सेप्ट फॉर कि आप उनको अपने कंस्ट्रक्टर के थ्रू कॉल करिए। ठीक है, तो वो अपने ही आपको इनिशियलाइज कर रहा है बी का ऑब्जेक्ट, ये था इसमें। ठीक है जी, ओके ओके ओके, बस करें जी अहमद, अभी जैसे दो टॉपिक डिस्कस किए थे, अभी दो टॉपिक्स रह गए हमारे इनहेरिटेंस में, तो यहाँ पे हमारा ये इनहेरिटेंस का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपके नेक्स्ट लेक्चर जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म पे स्टार्ट हो जाएंगे जो इनहेरिटेंस से ही एक स्टेप नेक्स्ट इनहेरिटेंस है। जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसका एड्रेस जाएगा दिस में, आगे से वो जिसको भी कॉल करेगा सबका एड्रेस सेम होगा,
देखिए जब इनहेरिटेंस हो रही है तो कोई नया ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है क्लास के अंदर, वो सारे डेटा मेंबर्स कंबाइन हो के इस एक क्लास के अंदर आ चुके हैं, तो ये क्लास बस उनको इनिशियलाइज, और वो फंक्शंस भी आ चुके हैं, कंस्ट्रक्टर्स भी इसके पास हैं, ठीक है, तो आप उनको ही यूज कर रहे हैं। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि बी क्लास के पास डी का कंस्ट्रक्टर भी है, बी क्लास के पास ए का कंस्ट्रक्टर भी है, तो वो उनको बारी बारी कॉल करती जा रही है, ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये है कि ये जो सी है, ये सी का एड्रेस वही क्यों आ रही है, किसने पूछी ही नहीं है। मैं चाहता तो स्किप करके आगे जा सकता हूँ, सी तो एक और ऑब्जेक्ट है ना, बी के अंदर है, कोई बस ये इसका आंसर दे दे कि सी का एड्रेस भी वही क्यों आ रहा है जो बी का एड्रेस है। कंपोजिशन है और मैंने एक अलहदा ऑब्जेक्ट बनाया है, सी इज ऑब्जेक्ट ऑफ बी, और शायद आप ये कह सकते हैं कि जो सी का ऑब्जेक्ट है, सी ऑब्जेक्ट जो एड्रेस दिखा रहा है ये बी का, इसलिए दिखा रहा है कि बी वाली मेमोरी के अंदर ही सी बना हुआ है, ठीक है, तो जो पूरी मेमोरी है उसका पार्ट दिखा रहा है, उसका एड्रेस दिखा रहा है कंस्ट्रक्टर जो कंपाइलर है, ठीक है जी। दिस पॉइंट से प्राइवेट, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, दिस पॉइंट कर रहा होता है जिसके पास वो एड्रेस होता है जहाँ पे ये सारी के सारी मेमोरी एलोकेट हुई है, ठीक है, तो सी क्योंकि उस मेमोरी के अंदर है तो कंपाइलर आपको वही मेमोरी दिखा रहा है जिसके अंदर सी क्रिएट हुआ है एज अ पार्ट ऑफ बी, ठीक है। अच्छा जिनकी क्लास है वो जा सकते हैं, ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग इनफैक्ट चलिए मैं ये आंसर्स रीड करके फिर रिकॉर्डिंग रोक दूँ। सी टेस्ट का मेंबर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का मेंबर है, दिस पॉइंट प्राइवेट मेंबर्स वाली बात कर दी कि दिस प्राइवेट मेंबर्स को पॉइंट नहीं कर रहा था, एक्चुअली डाटा मेंबर्स सारे के सारे एक मेमोरी में स्टोर हुए होते हैं जिसके पास वो मेमोरी का एड्रेस होता है उस पूरे ब्लॉक का स्टार्टिंग एड्रेस, उसको मेंबर बना रहे हैं जी। ऑफकोर्स वो बी का मेंबर है और बी की मेमोरी का एड्रेस दिखा रहे हैं, इसलिए कंपाइलर के सी जो है इस मेमोरी के अंदर है और ये मेमोरी एक ब्लॉक है, सी के ऑब्जेक्ट का एड्रेस विल बी सेम ऑफ बी। ऐसा भी हो सकता है कि सी शायद बी के स्टार्ट पे बना हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है इस केस में, इनफैक्ट ऐसा ही है, ठीक है, एग्जैक्टली ये जो हीरा का आंसर है ये करेक्ट आंसर है कि असल में अगर बी की मेमोरी देखें तो बी की मेमोरी के अंदर ए और डी का कोई डाटा मेंबर तो था ही नहीं, ना बी का अपना कोई डाटा मेंबर था एक्सेप्ट फॉर सी का ऑब्जेक्ट, तो जो मेमोरी है बी ऑब्जेक्ट की उसके अंदर सिर्फ मतलब इनफैक्ट डाटा कुछ स्टोर ही नहीं है, ना ए में कोई डाटा मेंबर है, ना बी में कोई, ना सी में, ना डी में, किसी में डाटा मेंबर नहीं है, तो जो सी का एड्रेस बन रहा है ये वही एड्रेस है जहाँ पे बी का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, कोई मेमोरी बी ने भी यूज नहीं की थी और सी ने भी यूज नहीं की है, तो एक्चुअली इस पूरे के पूरे ब्लॉक का साइज भी शायद कोई डिफॉल्ट जो शायद 1 byte या कुछ कंपाइलर आपको जबरदस्ती दे देता है वो होगा, इसके अंदर कोई डाटा मेंबर तो है ही नहीं, तो हीरा आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। चलिए जी यहाँ पे हम अपना ये रिकॉर्डिंग और लेक्चर कंप्लीट करते हैं, अगर किसकी कोई क्वेश्चन है तो वो पोस्ट कर दें, मैं उसका आंसर बाद में देता रहूँगा, बाकी लोग जा सकते हैं।